हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट टू के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका ऑनर्स पेपर जुलोजी है आज के वीडियो में जूलॉजी ऑनर्स पेपर फोर्थ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे पहले पिछले वाले वीडियो में जूलॉजी ऑनर्स पेपर थर्ड का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूं अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लिस्ट में जाकर थर्ड पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा आज के वीडियो में फोर्थ पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा तो चलिए क्वेश्चन की तरफ़ बढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टूरिशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ पार्टूरिशन और व्हाट इज पार्टूरिशन डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ पार्टूरिशन इन एनी मेमल स्टडीज यू एंड एक्सप्लेन इट्स हार्मोनल रेगुलेशन दोनों क्वेश्चन सेम है पूछने का तरीका डिफरेंट है अठारह और बीस में ये क्वेश्चन पूछा गया था बाइस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको बढ़िया से तैयारी कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ मेमेलियन टेस्टीज अठारह और बीस में यह क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेन्शन द प्रोसिड्यूर ऑफ इम्ब्रियो ट्रांसफर अठारह और बीस में यह क्वेश्चन पूछा गया था यह क्वेश्चन भी बाइस के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप इसको भी बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ बर्ड्स 2019 का ये क्वेश्चन है उसके बाद दो तीन साल नहीं पूछा गया है तो इसका भी चांसेस बनता है 2022 के एग्जाम में पूछे जाने का इसलिए आप इसको भी बढ़िया से तैयारी कीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव गिव एन अकाउंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन अ फ्रेश वाटर फिश स्टडीज यू ये क्वेश्चन भी उन्नीस में पूछा गया था उसके बाद नहीं पूछा गया है तो हो सकता है कि बाइस के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो इसलिए आप इसको भी बढ़िया से तैयारी कीजिए अगर आप ये क्वेश्चन का पी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज एंड एज्शंस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इन बाइनोमियल एक्सपेंशन विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको रेखा के गेस्ट पेपर में मिल जाएगा तो मार्केट से आप रेखा का गेस्ट पेपर ले लीजिए और ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ तो उस पर जाकर के आप इस पी को डाउनलोड कीजिए क्वेश्चन का पी और रेखा के गेस्ट पेपर से क्वेश्चन को खोजिए और गेस्ट पेपर में ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया है तो बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ची स्क्वायर टेस्ट एंड डिस्क्राइब ची स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेन सी विथ एग्जांपल्स दोनों क्वेश्चन सेम हैं अठारह और बीस में पूछा गया था इसलिए आप इसको भी बढ़िया से तैयारी कीजिए क्वेश्चन नंबर एट वाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन एंड को ऑफ कोरिलेशन डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन अठारह और बीस में ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वाले वीडियो में थर्ड पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा उस पर पाँच या छः रहेगा ऑप्शन में जिसमें से किन्हीं तीन का ही जवाब देना रहेगा आपको तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आप देख लीजिए पहला बायो केमिस्ट्री ऑफ सेमन इसके बारे में आप बढ़िया से तैयारी कीजिए दूसरा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लेक्टेशन तीसरा ट्विंस इस तीन के बारे में आप बढ़िया से तैयारी कीजिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा ऑप्शन में चार या पांच दिया रहेगा जिसमें से किन्हीं तीन का ही जवाब देना रहेगा तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन देखिए पहला स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरा मेरिट्स एंड मेरिट्स डी मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन तीसरा जियोमेट्रिक मीन इस दिन के बारे में आप बढ़िया से तैयारी कीजिए ये जो दस क्वेश्चन बताया हूँ एग्जाम में इसी सब से रहेगा तो इस सबको आप बढ़िया से रेखा के गेस्ट पेपर में खोज के तैयारी कर लीजिएगा तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय